देखिए दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध भी है और इस तिथि से द्वितीया तिथि का संबंध है, इसलिए इस तिथि को, इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, तिलक करके अपने भाई का स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं, कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर पर जाकर के भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके पीछे कथा आती है। कथा यह है कि यमराज बहुत सालों के बाद अपनी बहन यमुना के घर गए, यमुना के घर पर भोजन किया, यमुना ने उनका तिलक किया। तब से यमराज ने ये आश्वासन दिया, ये वचन दिया कि जो भाई भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेगा, बहन से तिलक करवा करके आशीर्वाद लेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। भैया दूज के दिन ही यमराज के जो सचिव हैं, यमराज के जो सेक्रेटरी हैं, चित्रगुप्त जी महाराज, उनकी पूजा भी की जाती है। इस बार भैया दूज का जो पर्व है वो 26 अक्टूबर को है। 26 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 25 अक्टूबर को जो गोवर्धन पूजा होती थी वो भी 26 अक्टूबर को होगी, क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने की वजह से 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा भी होगी, 26 अक्टूबर को भैया दूज का पर्व भी होगा और 26 अक्टूबर को ही चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी की जाएगी। अब ये समझते हैं कि भैया दूज की पूजा कैसे की जाएगी, पूजा की प्रक्रिया क्या है, भाई को तिलक कैसे होगा, आशीर्वाद कैसे दिया जाएगा। देखिए परंपरा कहती है कि भोर में उठ के सूर्योदय के पहले चंद्रमा को देखना चाहिए, लेकिन अगर आप चंद्रमा को नहीं देख पाते तो कम से कम सुबह उठ करके सूर्य देव के दर्शन जरूर कर लें। इसके बाद शास्त्र कहता है कि यमुना के जल से स्नान करना चाहिए। अब यमुना पूरे भारत में तो बहती नहीं है, तो आप ताजे जल से, शुद्ध जल से स्नान घर पे कर लें, वो भी आपके लिए पर्याप्त है। अपनी बहन के घर जाइए और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करिए। देखिए इस पर्व का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि आपको अपनी बहन के घर जाना चाहिए। एक तरह से सोशल वैल्यू ये है कि आपको अपनी बहन का हाल चाल मिलेगा, उसके जीवन में क्या चल रहा है ये समझने का मौका मिलेगा। दूसरा शास्त्र कहता है कि यमराज अपनी बहन के घर गए थे, इसलिए भाई भी अपनी बहन के घर जाएंगे और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। बहनें प्रेम से अपने भाई को भोजन कराएंगी और उनका तिलक करके आरती करेंगी। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार देंगे, जो अफोर्ड कर सकते हो ऐसा उपहार देंगे। शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब बहनें अपने भाई का तिलक करेंगी तो भाई के हाथ में तिलक करने के बाद दूर्वा देंगी, दूब घास, और भाई इस दूब घास को अपने पास अगले एक साल तक सुरक्षित बनाए रखेंगे। जहां तक उपहार का प्रश्न है, देखिए उपहार के बारे में ये समझिए कि काले रंग की चीजें, लोहे की चीजें, मेटल की चीजें आप भाई बहन के बीच के संबंधों में मत दीजिए। आप अपनी बहन को वस्त्र दें, आभूषण दें, जो भी उपहार में दें, साथ में कोई मीठी चीज भी उपहार में जरूर दीजिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।